युवक ने गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। बॉयफ्रेंड ने उसे घर पर मिलने बुलाया था, यहां उसके सिर में गोली मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने कट्टे से खुद को भी गोली मार ली। रविवार को युवती के ससुराल वाले उसे लेने के लिए आ रहे थे। घटना ग्वालियर जिले के भितरवार के मोहनगढ़ में शनिवार दोपहर की है। यहां भूपेन जाट और बाल मुकुंद चौहान का मकान आमने सामने है। भूपेन जाट के बेटे पवन का बाल मुकुंद की बेटी मालती से प्रेम प्रसंग था। करीब 2 साल पहले परिजनों ने मालती की शादी दतिया के इंदरगढ़ में कर दी थी। इंदरगढ़ में रहने वाले सोनू चौहान से मालती का तलाक हो गया था। मालती के तलाक के बाद 8 दिसंबर को परिजनों ने उसकी शादी ग्वालियर में ही कर दी। रविवार को युवती के ससुराल वालों के लिए उसके घर में मिठाई आदि बनाई जा रही थी। इस बीच बॉयफ्रेंड ने उसे मिलने बुलाया था। मालती के भाई हरिओम ने बताया कि शनिवार दोपहर में बहन घर में थी। पवन जाट ने उसे बुलाया। जब वह उसके घर पर पहुंची तो कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। मौके पर जाकर देखा तो मालती खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सिर में गोली लगी थी। पवन ने भी अपने आप को सिर के पास गोली मार ली थी। बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पवन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे भितरवार अस्पताल ले गए, वहां से उपचार के लिए ग्वालियर भेज दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। देहात एडिशनल SP जयराज कुबेर ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं भितरवार SDOP अभिनव वारंगी ने बताया कि मोहनगढ़ में गोली की सूचना पर पहुंचे तो युवती मृत अवस्था में मिली। युवक अचेत अवस्था में था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर भेज दिया गया है। पवन की मां ने बुलाया हमारी बहन को, तो पवन की मां ने बुलाया दिया गोली कहता जा तो बुला के और जहाँ मैं गोली दबा दी। तुमने यहाँ से दे रही हो क्या मालूम हमको? उसमें डली थे कि हमने दोनों खाए में डली थी, जिस दुकान में डली थी। तो कट्टे से फायर किया गया है और लड़के को ग्वालियर रेफर कर दिया।